कंगना रनौत के खिलाफ जोरदार गुस्सा है। आप पूछेंगे क्यों? जवाब जानने के लिए बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाने वाली कंगना रनौत का एक टीवी शो में दिया ये बयान सुनिए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई। यकीनन पद्मश्री से सम्मानित की गई बॉलीवुड हीरोइन को लगता है कि देश को आजादी 2014 में मिली और 1947 में जो आजादी मिली वो सिर्फ भीख थी। अब कंगना की इस सोच को कोई कैसे पचा पाएगा? कम से कम कांग्रेस के गले से तो ये बात एकदम नहीं उतर रही। एक सिरफरी औरत को लगता है कि वो हमारी आजादी को भीख बोलकर निकल जाएगी और पूरा देश चुप रहेगा। ये वो आजादी है जिसमें हमारे शहीदों की कुर्बानियां उनका लहू शामिल है। महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी कि हमारा देश आजाद हो। और यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि देश की आजादी भीख थी। 1947 की बात तो वो उस विचारधारा की बात कर रही है जो आजकल सत्ता में है। वो विचारधारा तो उस आजादी के आंदोलन के खिलाफ थी, आज से थोड़ी थी, शुरू से थी। वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। मुखर्जी साहब चिट्ठियां लिखते थे अंग्रेजों को कि नहीं होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट, हम आपके साथ हैं। फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई इन्होंने। ये उस विचारधारा के जननी हैं, ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको ये बात कहने से। 7 साल की आजादी वाली कंगना रनौत की थियरी ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बयान है। हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है, 150 साल तक हम गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे, हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए खून बहाया, बलिदान दिया, जो राष्ट्रीय सम्मान जो मिले हैं सब पद्मश्री से लेकर सब वापस लेना चाहिए। यही सम्मान देश के स्वतंत्रता सेनानी को भी मिला है 50 साल में, बहुत लोगों को मिला है ये सम्मान। और यही सम्मान उस लोगों का अपमान करने वाले व्यक्ति को अगर मिलता है तो पूरा देश का अपमान होता उसमें। 1947 वाली आजादी को भीख कंगना ने बताया है, लेकिन सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं। उधर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, और जो बयान आया है वो कंगना के बयान से पल्ला झाड़ने वाला है। वो विश लायक नहीं जिस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कोई किसी दल को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर आगे आगे कूदता रहे, उसे सम्मानित किया जाए, हमें लगता है कि इसी से जिस तरह से पुरस्कार दिया गया ये गलत है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या कंगना रनौत के साथ आप खड़े थे? क्या इस मामले में बीजेपी उनके साथ खड़ी है? हमारी आजादी के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है। उनकी कुर्बानी के बाद बड़े मुश्किल से हमारे देश को आजादी मिली है, इसलिए उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को, उनके संघर्ष को, उनके त्याग को नकारा नहीं जा सकता, और इस प्रकार के विधान का समर्थन कतई नहीं हो सकता। हाल ही में कंगना ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी थी। वो कई मुद्दों पर खुलकर बीजेपी का समर्थन कर चुकी हैं और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। शायद यही वजह है कि आजादी पर दिए कंगना रनौत के बयान पर विवाद अब बड़ा हो गया है। आज तक ब्यूरो।